भारतीय खेल प्राधिकरण की धार प्रभारी शर्मिला तेजावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में शर्मिला तेजावत ट्रेनिंग कैंप में रहने वाली छोटे छोटे खिलाड़ियों से हाथ और पैर की मालिश करवा रही हैं। वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के बारे में जब शर्मिला तेजावत से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण का धार के जेतपुरा स्थित ट्रेनिंग कैंप में देश भर से खिलाड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचते हैं। तेजावत खिलाड़ियों को खेल की ट्रेनिंग देने के बजाय उनके हाथ और पैर से मालिश करवा रही हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि यह वीडियो कब का है और जो स्टूडेंट मालिश कर रही हैं वह किस खेल से संबंधित है। रविवार सुबह से वीडियो धार जिले के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक ओर छात्र छात्राओं के माता पिता अपने खिलाड़ी बच्चों को उनका भविष्य संवारने के लिए इस तरह के देश के प्रतिष्ठित साई सेंटर में भेजते हैं, वहीं यह वीडियो शर्मसार करने वाला है। खिलाड़ियों के भविष्य से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए धार से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। भारतीय खेल प्राधिकरण की धार प्रभारी शर्मिला तेजावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में शर्मिला तेजावत ट्रेनिंग कैंप में रहने वाली छोटे छोटे खिलाड़ियों से हाथ और पैर की मालिश करवा रही हैं। वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के बारे में जब शर्मिला तेजावत से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण का धार के जेतपुरा स्थित ट्रेनिंग कैंप में देश भर से खिलाड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचते हैं। तेजावत खिलाड़ियों को खेल की ट्रेनिंग देने के बजाय उनके हाथ और पैर से मालिश करवा रही हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि यह वीडियो कब का है और जो स्टूडेंट मालिश कर रही हैं वह किस खेल से संबंधित है। रविवार सुबह से वीडियो धार जिले के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक ओर छात्र छात्राओं के माता पिता अपने खिलाड़ी बच्चों को उनका भविष्य संवारने के लिए इस तरह के देश के प्रतिष्ठित साई सेंटर में भेजते हैं, वहीं यह वीडियो शर्मसार करने वाला है। खिलाड़ियों के भविष्य से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए धार से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।